जय हिंद दोस्तों, ये नंदपरी डेयरी है, दादूपुर करनाल हरियाणा में है। तो रमन जी हैं, ये अपने पिताजी की सरपरस्ती में ये काम करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, जब हम इनके डेयरी फार्म पे आते हैं तो जब देखते हैं कि भारी भरकम साहीवाल गड़े में, भारी लंबे लंबे कंबल, ऊंची हंप, नीचे धुनी, तो लगता है ना कि इनके गले से लग के अपना सारा दुख दर्द बांट जाए, क्योंकि ये दुखों की हरणी है, भगवान श्री कृष्ण की संगनी है ये, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के, तो मन खुश हो जाता है। और कोई तमन्ना फिर रहती नहीं है, तो आज हम आपको ये दिखा रहे हैं साहीवाल, तो बात करते हैं इनसे। आइए, नमस्कार। बनावट अब तो हमको तुम्हें नमस्कार करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत छोटा। ये कौन लोग ले जा रहे हैं? ये गौ माता है, ये इन्होंने महाराष्ट्र से आए हैं। पहले मिलाओ। आशा केंद्र चलाते हैं भाई साहब। भाई ये डॉक्टर साहब अपने। आइए भाई साहब, नमस्ते। आप बता रहे थे पहले हमसे, बात हुई थी? हाँ बात हुई थी। किसान नेता? किसान नेता नहीं है, लेकिन किसानों के बेटे हैं हम। किसानों के बेटे हैं? हाँ, किसानों को न्याय देने का काम करते थे। महाराष्ट्र में फार्मर स्ट्राइक हुआ था, वो हम सब दोस्त लोगों ने मिलकर किया था। 7 राज्यों में वो चला था। क्या नतीजे निकले उसमें? हमारे महाराष्ट्र में 35,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हुई, बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं हुई। वो फार्मर स्ट्राइक के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में किसानों की जो पेंशन योजना थी उसकी डिमांड की थी, वो बनाया। तो ये आंदोलन कभी सब लोगों ने ऐसा सोचा था किसान कभी स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, हमने दिखा दिया। भारत के इतिहास में पहली बार किसान स्ट्राइक में गया था महाराष्ट्र में। एक बार साहीवाल आप खरीद रहे हो, बहुत बढ़िया है, क्या सोच के खरीद रहे हो? दूध तो HF ज़्यादा देती है। नहीं नहीं, HF का दूध देना अलग है, साहीवाल का दूध देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। और A2 मिल्क का अभी बहुत सारा क्रेज चल रहा है, लेकिन वो क्रेज़ नहीं बोल सकते, ये ज़रूरी है क्योंकि पुराने जो लोग थे ये सभी हम्प वाली गाय यूज़ करते थे, अपनी भारत की ये रीति है। बाद में जब से HF आया है तब से थोड़ा चेहरा बदल गया, लेकिन बीमारियाँ भी बदल गई हैं। सबसे बड़ी क्रांति तो पंजाब में हुई थी और सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट भी पंजाब में है, तो कहीं तो रिसर्च होना चाहिए। तो वहाँ पर रिसर्च होते A2 मिल्क का सबसे ज़्यादा नतीजा आया। हम डॉक्टर लोग जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि A2 मिल्क होना चाहिए, इसलिए मैं डॉक्टर होके भी, हमारे भाई है वो क्या खेती करते हैं तो उनके लिए हमने गाय खरीद रहे हैं कि घर में कम से कम दूध हो तो A2 मिल्क होना चाहिए, इसलिए हमने पहला गाय खरीदना का सोचा। फिर हमारे दोस्त लोग बोलने लगे हमें भी A2 मिल्क दे दो, तो हम बोले ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गाय खरीदते हैं, अपने पास खेती है सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे आए रमन जी के पास। कितने पशु हैं? हमारे पास पहले भैंस वगैरह ये 10-15 थे, हमने वो सब कम किए। रमन जी को फ़ोन किया, रमन जी बोले आओ हम अच्छे से गाय देंगे साहीवाल का, तो अभी यहाँ पे खरीदा है। मनोज दलवटी। तो क्या दाम लगाया इसका? अभी ये दाम नहीं, ये क्या सब इन्होंने टोटल 4 गायें हैं। हाँ। 4 गायों का जोड़े में खरीदी हैं 2 लाख रुपए की। 4 गाय 2 लाख की? 2 लाख रुपए की। तो ये कितने की बैठी है के जी? 50-50 हज़ार रुपए की एवरेज लगा लो। हम ये बड़ी, हम बहुत जबरदस्त है, हम बहुत, इस गाय में हर चीज ही जबरदस्त है। इसके गुण, ये अभी दूसरी बार बच्चा देगी, दूसरी बार? हाँ, फर्स्ट में ही 15 लीटर का रिकॉर्ड है। 15 लीटर? हाँ। और सबसे बड़ी बात है ये देखो, आप खुद ही देख सकते हो, देखो इतना प्यार और मोह है इसको, हर एक आदमी और हर एक गाय में ये चीज़ नहीं हो सकती जो इसके अंदर है, इसको पकड़ने की बांधने की जरूरत नहीं है। तो अभी कितना समय मांग रही है इसका? अभी ये 7 महीने की गाबिन है। अच्छा। हाँ जी। अभी 2 महीने लेगी जी? तो 2 महीने 10 दिन बोला है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ने चेक पास किया है। हाँ। तो मैंने पहले ही बोला है कि आपस में आज जिस मुंह से मैं बात कर रहा हूँ कल भी वही रहे। हाँ। तो 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो वही इनको क्लियर। क्या कहता है? नहीं, हमें 7 महीने की चाहिए थी। हाँ। क्योंकि ये जो गाय बहुत सेंसिटिव रहती है। हाँ। यहाँ से जाने के बाद महाराष्ट्र में शॉक में जाती है। हाँ। और किसान सोचता है कि मैं फंस गया हूँ। हाँ। लेकिन 7वें महीने में लिया तो वो 2 महीना सेटल हो जाती है। हाँ। और फिर अपने आप वो जब वहाँ पे बहती है तो फिर वो उसका बच्चा सब सेटल होता है, इसलिए फिर दूध देने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो धरती को छू रही है। धरती को छी रही। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? ये इसको हम ऐसा बोलेंगे, ये हमारी अंगूठी है,
कभी भी बेचने जाओ तो भी मिलेगी, लेकिन हम बेचने के लिए लिए नहीं। हाथ में डालो, गले में डाल के रखो। गले में डालेंगे, हार बना। यस अच्छा, बहुत बढ़िया है। गल कंबल है, बहुत गरीब है, शरीफ है एकदम। तो कितना दूध देने वाली है ये? 15 लीटर के आसपास जाएगी। पहले बात में 15 लीटर दिया है इसने, ऐसे रमन जी को बताया। कौन सी में आता है ये? सेकंड टाइम बच्चा देगा। सेकंड में, थर्ड में? ये सेकंड में है। ये अभी 12 लीटर दूध इसने फर्स्ट में दिया है। अच्छा। मेरे बिल्कुल खास रिलेटिव हैं। हाँ। और उनसे दिलवाई है। ये एक और बच्ची है, दो। तो खास रिलेटिव है, रिलेटिव को फायदा करवाया जी, इन लोगों को? इनका फायदा कराया जी। ऐसे कैसे होगा? ये 50,000 रुपये में गाय दिलवाई है जी, ये ऐसा होगा। एक पंजाब में कहावत है कि जट जट दा बोलू नारायण दा। तो ये बता, ये क्या दाम लगाया इसका? ये 50,000 रुपए में दिलवाई। ये भी वो 2 लाख में आ गई ना? हाँ, ना, ना ना, वो दूसरी है जी। ये 15 लीटर दूध कितनी होगी फैंट इसकी? इन भाई को गारंटी है जी, इसकी फैंट 6.5-7। 6.5-7 इतनी हो जाएगी? बिल्कुल आराम से। भैंस की होती है? नहीं, जर्सी की 4.5-5 है। और ये उनसे ऊपर है। ऊपर है। हाँ, और भैंसों की रहती है 8-8.5। पहले इसका दाम बता दो क्या है? ये 45,000 रुपए की दिलवाई। 45। तीनों की बनावट अलग अलग है जी। पहले वाली काली थी जी, तो कपिला बोल देंगे, कपिला। अच्छा, फर्स्ट वाली तो कपिला ही साहिवाल। अच्छा, और बीच वाली जो थी वो साहिवाल थी, जैसे कृष्ण बंसरी भी जाते हैं ना जी, जी, तो जी, जी पास में खड़ी थी। हाँ। तो ये भी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। फर्स्ट की बछिया है। हाँ जी, फर्स्ट की बछिया है, S34 के सिमन की है खुद। और अभी 1 महीना बाकी है इसका बच्चा देने का। अच्छा। हाँ जी, कितना देगी तू? फर्स्ट में 12 लीटर दे देगी? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। बताना आप हमको वहाँ जाके। हाँ, बिल्कुल बताएंगे, रेफरेंस देंगे जरूर। इसमें ऐसा हुआ है, पहली वीडियो में बड़ी अच्छी अच्छी गाय दिखाई है। नहीं नहीं, इसमें ऐसा हमको बताया गया था, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ से गाय लेके गए, बोले यहाँ पे लोग फंसाते हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं, गाय दिखाते हैं के देते हैं के, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अभी रमन भाई ने हमको ये गाय दिखाई और ये इतने इसमें मिलेगी ऐसा हमने सोचा नहीं था। 45,000 में मिल गए। एक बात हम कहें। हाँ। कि देखो, लोग कमेंट जो करते हैं ना, वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ना खरीदनी है ना बेचनी है, हो सकता है उनके पास गाय हो भी ना, तो वो खाली उन्होंने कमेंट करना। छोटे छोटे लड़के हैं, इनसे भी छोटे, और अमेरिका काम वाम तो करते नहीं होंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो जेलसी ईर्ष्या से हैं। तो हम एक बात बताएं, किसान है ना, जितना किसान समझदार है, अगर जब हम कहते हैं ना कि लूट लिया, तो हम उसको एक तरह से गाली दे रहे हैं। अरे भाई, उसको कौन लूट लेगा? जितना भगवान के किसान नज़दीक है, उतना कोई आदमी नज़दीक नहीं है। किसी भी व्यापार का ले लो, चाहे तुम किसी भी काश्त का ले लो, क्यों? एक किसान ऐसा है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से और बिना मिलावट के आगे ले जाता है जी। और अब वो कहते हैं कि अरे वो बीज देख के बता देता कि होगा कि नहीं होगा, वो गाय देख के बता देगा, मौसम देख के बता देता कि क्या है यहाँ पे, तो कौन लूट लेगा उसको? किसानों का एक ही गलती होता है कि इसने किया इसलिए मुझे करने का है, कोई अभ्यास नहीं करता है, उसका स्टडी करना चाहिए कि ये क्यों लेनी है मुझे, और फिर उसके आगे जाना चाहिए। एक उसकी आदत है कि भरोसा, वो विश्वास कर लेता है, विश्वास कर लेता है, सरकार के भी कर लेता है सरकार। और सरकार समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसानी जो पेशा है इसको क्यों नहीं संभालना चाहती है, जैसे दूसरे हैं, तेल को भी संभालेगी, रोडवेज को भी संभालेगी, फ्लाइटों को भी संभालेगी, हर इंडस्ट्री को, लेकिन किसानी वाले तरफ उतना ध्यान नहीं है जी। अब ये भी साहिवाल कलर है, ये प्योर साहिवाल बछिया है। अच्छा, तुमको कौन सा प्यारा लगता है? मेरे को तो सभी कलर प्यारे हैं, जहाँ गौ माता की बात आती है वहाँ सब कुछ प्यारा है, क्योंकि मेरे लिए, मेरे को गौ माता से प्यारा है। इसका रंग रूप ये मेरे लिए कोई मायने नहीं की है। ये गाय मैंने इनको, ये भी 45 की, माँ को भी बेचते हो? ये माँ को बेचना नहीं है। हाँ। ये अपना काम ही ऐसा है, मजबूरी है, ये मजबूरी है हमारी। अगर भगवान हमें बेच नहीं रहे हैं, ये बेच नहीं रहे हैं, ये खाली ये इसकी कोई कीमत नहीं है। वो माथा टेकते ना पैसे देकर के जी, अगर तो वो तुमने भी माथा टेक दिया है। इनको, ये मेरे पास आए, इनको पूछो, मैंने एक ही बात बोली कि भाई मैं सौदा नहीं करूंगा गाय का। पूछो, सौदा तो नहीं किया भाई मैंने? सौदा नहीं किया है। हाँ। जो इन्होंने बोला मैंने गाय दे दी। ये माँ को नहीं बेच रही है, माँ मौसी के पास जा रही है, मौसी के पास जा रही है जी। तो कहने का मतलब ये है कि बेची नहीं है, नहीं बेची नहीं। इन्होंने पंडित बन गए, दक्षिणा लेकर के आपको थमा दिया रास्ता। और ये बछिया, इसमें बहुत मतलब गजब की क्वालिटी है। हाँ। ये मुंह से दूध के दांत है, ये प्योर साहिवाल का इसका कलर है, प्योर साहिवाल। गल कंबल देखो कितना जोरदार, और सबसे बड़ी बात है ठंडी। हाथ करके दिखाना भाई नीचे। पहले वो मुक्सर मेले में हम वीडियो बनाने जाते थे। ये देखो, ये देखो, ये
ये देखो मालिक ही फेर रहा है। कौन सी ब्याज की है ये? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम पहली बार। हाँ, मैं लगाऊं सालों? हाँ, जो मर्जी लगाओ आप। मारते की टांग? नहीं नहीं नहीं, लगाओ लगाओ। ये लो, मैं ले जाऊं? हाँ ले जाओ, आप ले जाओ। अच्छा वो एक पहले तुमने गाय दिखाई, उसके थन पांच थे? वो एक छोटा क्या है, बच्ची आ जाती है उसमें। हाँ। वो क्या होता है, वो ब्रीडिंग की निशानी होती है। तो दोहन में परेशानी नहीं करता वो? नहीं, वो चलता नहीं है। अच्छा। उसका मुंह ही नहीं रहता। हाँ जी। तो इसका दाम कितना बताया? ये 45 की दिया है। 45 की? जी। मन खुश है आप? हाँ एकदम खुश है। ये तो सेलिब्रिटी है, इसके साथ फोटो निकालने का जी करता है हमेशा। तो वहाँ बुलाओ ना हमको। हाँ, तो वहाँ दिखाएं। वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने का। हमको बहुत लोग आते हैं लेकिन बुलाते नहीं। साईं बाबा शिरडी से? हाँ। शिरडी एक साईं बाबा की भूमि है, संतों की भूमि है। आप हमें जब ये मिल्किंग पे आ जाए हमको बुलाओ तो हम आए। हमेशा हमेशा हम बुला के लेंगे। वो एक होती है ना वो कलर वाली किताब? जी जी जी। दिखाते हैं पलट पलट के, ये करवा लो ये करवा लो। जी। तो सारे कलर अलग अलग दिखा रहे हो पूरे आज? जी जी। जितनी गाय उतने कलर? जी। ये भी ओरिजिनल होता है कलर? जी। तो बहुत छोटे कद में है? जी। कितना दूध देगी ये? इसने ये गाय, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड गाय है। हाँ। ये हमने फार्म से खरीदी एक ब्रीडर के पास से। हाँ। 17 लीटर दूध दिया इस गाय ने फर्स्ट में। हाँ। और अभी इसका 25 दिन बाकी है, ऑर्डर पर चालू हो गई है ये। अच्छा। मेरे हिसाब से 20 के आसपास ये गाय जाएगी। 20 तक चल जाएगी? जी। तो क्या दाम लगाया आपने इसका? अभी इसका 55,000 रुपये दाम। ज़्यादा लगा दी? ज़्यादा नहीं। हाँ। गाय के हिसाब से ये, तो ये बात दूसरे के भी नहीं मांगेगा फिर? हाँ हाँ, आदत नहीं खराब करो इसकी। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी बोले, हमने खरीदा है। अगर तुम इससे, इसके पास इतनी कला है, अगर तुम इसको बोलो कि हमको 51 की लेके तो दे देगा। मैं आप कहते हो सौदा नहीं करना? सौदा किया ही नहीं। अच्छा। अभी गाय, अगर वो गाय जो है पहले वाली थी और वो 10-12 लीटर तक दूध देगी पहली बार में, तो उसका बराबर से रेट लिया 45,000। लेकिन इसका हिस्ट्री है, ब्रीडर के पास से है, तो ये और ये जो है चक्कर है। हाँ, वो चक्कर ये, ये द्वारा एक बार बता दो क्या है? शनि चक्र है। शनि चक्र क्या फायदा होता है इसका? ये सूर्य की किरणों को अपनी तरफ आकर्षित खींचता है। जैसे ये धूप में बैठता है ना, सिंह खींचते हैं। ये जो है इसके अंदर एक एंजाइम्स बनता है जी जी, जिसको सार रस कहते हैं, स्वर्ण सार। जी जी, स्वर्ण सार। तो इसकी, तो यहाँ से तो इसकी रीढ़ की हड्डी में है। बिल्कुल। तो वो सोने का वो तत्व पैदा करता है देसी गाय के अंदर, जो इंसान को चाहिए वो पूर्ति करते हैं। इसकी जो देसी गाय रहती है उसके अंदर माथा और रीढ़ की हड्डी और हम्प यही काम करते हैं। यही काम करते। ये तो चमड़ी उतर रखी इसकी, बाल उतर गए? ये बाल रगड़ खा गई? नहीं नहीं नहीं, ये चमड़ी, ये ब्रश मार दिया इसको नहलाते टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस करके इसका चमड़ी उतर गया। तो ऐसा भी कलर होता है सही बात? हाँ बिल्कुल होता है यार। आज तो तुम हमको दिखाने के लिए दिखा रहे हो कलर की, कोई किसी मिल ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कलर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये साहिवाल का ही कलर है। थोड़ा सा जो व्हाइट पेचिस आ गया ना, ये देखो, हम इसको राठी भी नहीं बोल सकते। इसका माथा देखो, हम्प देखो, सूंड देखो प्रॉपर। लेकिन खाली क्या होता है, या तो माँ और या बाप दोनों में से किसी के ऊपर भी ये थोड़ा सा ये पैचिस रहे होंगे, तो उस कारण ये पैचिस आ जाते हैं। जी जी, इसमें आ जाते। जी। तो क्या दाम की? ये 15 लीटर दूध निकालती है, ये भाई को 42 में दिया है। ब्याज में? जी। कौन सी ब्याज की है ये? थर्ड। थर्ड में? जी। 41 कर दो तो क्या होगा? बाबू जी, इनको पूरा पहले ये नहीं है कि मैंने खाली अपने रेट सुना दिया और दे दिया। हाँ। ये इन्होंने भी ले लिया। हाँ। 3 दिन से पूछो, 3 दिन से घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, पूरे मतलब कोने कोने में घुमाया। जैसे तुमने गाय दी है ना जी, तो अगर ये पूरी परख रखते हैं जी, तुमको हमेशा याद रखेंगे जी। तो धनंजय जी, क्या खासियत देखी आपने इसकी? ये दिखने में ही बहुत सुंदर दिखती है, सब साहिवाल के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है। स्वर्ण कपिला? स्वर्ण कपिला है कह सकते हैं? कह सकते हैं। जो आंखें भूरी हैं? आंखें भूरी है, सिंह सिंह भी है, ये खुरे भी वैसी है। हाँ। ये पीछे से भी लाल लाल है। तो इसका भी दाम लगाना पड़ा? इसका दाम मजबूरी है। नहीं, ये इसके लिए मेरे साथ में दूसरे लोग भी आए थे, लेकिन मेरा सौदा एक 5 मिनट पहले हो गया था। कितने का? 55,000। तो जी, इतनी हाइट में आती है। कितना दूध देंगे? ये 15 लीटर दूध की गारंटी पे दी है भाई को मैंने। गारंटी पे दी? जी, गारंटी पे। अगर 15 लीटर दूध देगी तो बोल दिया है। हाँ। मैंने कहा जब दूध पे आ जाएगी तो बता देना। बिल्कुल, दूध पे आएंगे ये। आएंगे तो ठीक। हाँ। जाएंगे फिर हम, क्योंकि भाई को हमने एक ही चीज़ है, शिरडी आई है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जाके इनको बांधने वाले हैं, इन्होंने साइलेज वाइलेज सब पहले से लेके रखा है। राजस्थान में कोरोना का? राजस्थान में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कोरोना है ज़्यादा इसमें, लेकिन वो सिटीज़ में है। अच्छा, जो तो आप लोग का टेस्ट करवा के आए फिर यहाँ?
हाँ टेस्ट मेरे, मैंने तो वैक्सीनेशन भी करवाया है, दो वैक्सीन हो गई, दो बार वैक्सीन। कितने पैसे लगे? दो बार। अच्छा, तो वैक्सीन कोई भी करवा सकता है? कोई भी करवा सकता है, अभी सीनियर सिटीजन ने तो पहला करवाना चाहिए। रमन जी जी, ये जोड़ा दिखा रहे हो जी, ये भी डॉक्टर साहब ने खरीदा है जी? धनंजय जी जी, सीता गीता है दोनों। सीता गीता? हाँ जी। अच्छा, नाम भी बड़ा बढ़िया है जी। तो कितनी उम्र की है दोनों? ये दोनों सेकंड टाइम बच्चा देंगी, 7-7 महीने की गाभिन है, दांतों से दोनों पूरे है। दांतों से दोनों पूरे हैं? पूरे हैं। छह दांत या पूरे? सातवें में। हाँ जी, दोनों सात में। सातवें में, दो महीने लेंगी? हाँ, डॉक्टर से पीढ़ी। कितना दूध देंगी ये दोनों? 15+ रहेगी। तो दाम क्या है इनका? दाम ये दोनों का जोड़ा दिया 95 का। 95,000 जी? ठीक है, 95,000 ये दोनों। हलेंगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ धन्यवाद। हलेंगी ये कह रहे हैं, तो बहुत बढ़िया जी, बहुत मन खुश करते जो तुम आते हो जी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।